भैया। मिस्टर प्रोजेक्ट हेड, आई होप आपको ये प्लान अच्छा लगा। भैया, ये डैड ने जो नई फैक्ट्री सेटअप की है, ये उसका प्रोजेक्ट है, राइट? जी। और मैं उसका प्रोजेक्ट हेड। बिल्कुल। भैया, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं आपको असिस्ट करता हूँ। देखो भाई, मुझे नींद आ रही है, मुझे आराम करना है, अब ये तुम ही संभालो। भैया, क्या हुआ? ये अचानक से कैसे? अचानक नहीं, जब मुझे ये पेपर्स मिले थे तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि प्यास इंडस्ट्रीज की ये कंपनी तेरी पहचान होगी। मिस्टर प्रोजेक्ट है, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। बधाई हो। थैंक यू। सब मुझसे पूछते हैं कि मैं आप पे आंख बंद करके भरोसा क्यों करता हूं, उनसे कहो आके देखे क्यों करता हूं। मैं अपनी जान से भी ज्यादा तुझ पे भरोसा करता, इसलिए ये फैसला लिया। मेरे इस फैसले को सही साबित करना। भैया, मैं इसमें अपनी जान लगा दूंगा। गुड। अच्छा देख, जो हमारी मशीनें हैं काफी पुरानी हो चुकी, इसलिए मैंने नए इन्वेस्टर से बात की है उन्हें रिप्लेस करने के लिए, और उसकी मीटिंग कल है। कल? और उसकी प्रेजेंटेशन तू करेगा। भैया, इतने कम टाइम में मैं अकेला? तू कर लेगा, और मुझसे भी अच्छा कर लेगा। मैं जानती थी इस गलत फहमी को पैदा होने से पहले ही मिटा दोगे तुम लोग, पर मेरा अगला वार क्या होगा का अंदाजा भी नहीं है तुम लोगों को। फील्स नाइस। अब तुझ पे ये परफेक्ट लग रहा है। भैया, आपने आपने अर्जेंटली फिटिंग क्यों करवाई? क्योंकि ये मेरा लकी सूट है, अपनी पहली प्रेजेंटेशन में पहना था इसे। आई होप तेरे लिए भी ये उतना ही लकी साबित हो। लेसेस खोले, बंद क्यों नहीं करता? नहीं भैया, अरे अरे ठीक है ठीक है, करने दे मुझे। तो बचपन से ऐसा ही है। मेरे साथ माँ का आशीर्वाद भी था, और तेरे साथ मेरी गुड विशेस है। देख बेटा, आज मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि तेरी पहली प्रेजेंटेशन में वैसी ही तालियां बजते हुए देखूं जैसी मेरी पहली प्रेजेंटेशन में बजी थी। भैया, आपको पता है आप और भाभी सबसे अलग क्यों हो? क्योंकि आप लोग खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए जीते हो। अच्छा, मैं हॉस्पिटल निकलता हूँ, तू सीधा फैक्ट्री पहुंच, मैं वहां से जाकर तुझे मिलता हूँ, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।